जो बैच वन और बैच टू वाले हैं इनकी मॉड्यूल वन की लास्ट क्लास है ना। आज मैं पूरा वाइंड अप कर दूंगा आपको, और आपके पास 1 वीक टाइम है ना। इस 1 वीक में आप कोशिश करना, अगर स्कूल में एग्जामिनेशन वगैरह नहीं चल रहे हैं तो कमिंग वीक तक आप अपने पूरा कंप्लीट कर लो मॉड्यूल, और जो डाउट्स है सारे पूछ, है ना। वही डाउट अगली जो क्लास होगी मैं डाउट ही रखूंगा, वीकेंड्स पे होती है तो भी वो डाउट क्लास ही, उसमें जो भी डाउट्स हैं डिस्कस कर लेंगे क्लास में, कर पाते हैं तो क्लास में, नहीं तो फिर मैं पर्सनली उसको सॉल्व करके आपको। तो फिर सर जो हीट वाला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। नहीं, हीट वाला चैप्टर कंटिन्यू होगा, अगर डाउट क्लास होगी भी ना तो एक ही होगा, जैसे इस वीक आपका जो इस वीक था जैसा वैसे ही हो, इस वीक में एक क्लास डाउट थी एक क्लास हीट की क्लास। तो अगले वीक का मुझे टाइम टेबल नहीं पता है, तो अगले वीक में अगर डाउट क्लास है, अदरवाइज मैं डाउट क्लास रखूंगा, अगर डाउट क्लास है तो होगा, अदरवाइज तो अगर 2 क्लास हीट की लगी हुई है तो हीट ही होगा फिर, है ना। इस तरह से रखा, सर अभी मुझे पता नहीं, मुझे टाइम टेबल नहीं पता, जब टाइम टेबल आएगा तब मुझे समझ में आएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बैच वन बैच टू वाले हैं ये कमिंग वीक में ना अपना डाउट्स वगैरह कंप्लीट कर, है ना, जो भी आपके मॉड्यूल वन के रिगार्डिंग डाउट्स। वेट मत करो कि अब मेजर टेस्ट तो आगे आएगा, अब हम आराम से करेंगे, ऐसा नहीं। चीजों को वाइंड अप करना बड़ा जरूरी है भाई। ये चीज मैंने अभी एक लेवल तक खत्म कर ली, खत्म तो देखो कभी कोई चीज नहीं होती भाई, कोई एंड थोड़ी टॉपिक्स का, खत्म नहीं होता कभी कोई टॉपिक, लेकिन एक लेवल तक, जैसे मॉडल मेरी हो गई है या मैंने प्रैक्टिस शीट कर ली है या एनसीईआरटी कर ली है, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं ये आगे पढ़ूंगा, है ना। सिलेबस जब ज्यादा होता है ना तो एक ही चीज को लेके बैठे नहीं रहते, तो थोड़ा सा आगे भी मूव करते रहना होता है, एक चीज को कंप्लीट करके अपने लेवल पे जो भी आपने टारगेट लिया उसको कंप्लीट करो कि भाई ये मैं कर लूंगा या कर लूंगा, फिर तो उसके बाद आगे जाते हैं। तो आज जो आपको पढ़ना है ना, आज आपकी क्लास जो है वो फ्रिक्शन की है ना। फ्रिक्शन हमने लास्ट क्लास से बेसिकली आपका बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, है ना, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रिक्शन में ना ये क्वेश्चन जो होता है ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, एक क्वेश्चन आता है जो है वो स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में नहीं आता है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे एक फ्रिक्शन में क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक, है ना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक का कंसेप्ट। ये सॉर्ट से डिफरेंटली अटेम्प्ट करना होता है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक का मतलब सिंपल से ये है कि एक ब्लॉक आपका इस तरह से रखा हुआ है ना, और इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रख दिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। कई केसेस में 3 ब्लॉक्स भी होते हैं, 3 ब्लॉक्स 4 ब्लॉक्स कुछ भी हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक क्वेश्चन, राइट। इसमें हो सकता है कि नीचे मैं फोर्स लगाऊं या ऊपर फोर्स लगाता हूँ, है ना, या तो मैं नीचे फोर्स लगा सकता हूँ या कहाँ लगा सकता हूँ, इसलिए आपको ऊपर हर जगह पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, किसी केस में फ्लोर स्मूथ होता है। मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ उसी से इसको हम समझेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक को। तो ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक में ऐसी कोई थ्योरी नहीं, इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप अटेम्प्ट मत करो, बस आप एक क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, मैं उसको समझाऊंगा आपको, अनेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, कुछ गलत आंसर करेंगे तो पहले आप उसको रीड कर लो क्वेश्चन को बस, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है, है ना। तो उससे आपको सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक में हम इस तरह से क्या करते हैं, इसके लिए आपको सॉल्व करते हैं। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक में ये क्वेश्चन आपके पास है ना, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, है ना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और क्या क्या कंडीशन दी है, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व।
ओके ओके गर्व आई अंडरस्टैंड, हैंड रिटन बता दूंगा मैं आपको, हैंड रिटन में बता दूंगा आपको मैं सारा कुछ, है ना। हैंड रिटन के अलावा डाउट्स क्लास में कर लूंगा, वो तो क्लास करते ही हूँ मैं, जब कोई क्वेश्चन छूट जाएंगे उसके लिए मैं बोल रहा था आपसे। पीयूष जा सही बता रहे हो आप, आपके आंसर सही है ना, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो सब लोगों ने इसको देख लिया होगा, नाउ आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। देखो क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ऐसा आ जाता है कि ये आपका जो ब्लॉक है, यहाँ पे ये आपका 10 kg है, दो ब्लॉक्स हैं, एक आपका 10 kg है, दूसरा क्या है आपका 5 kg। तो आपको ये बताना है कि जब हम यहाँ पे फोर्स स्क्वायर टू 30 N लगाते हैं, है ना, तो दोनों ब्लॉक का एक्सटेंशन होगा कितना। जब हम यहाँ पे 30 N फोर्स लगाओगे फर्स्ट पार्ट में, बेटा माइक म्यूट कर दो सब, कोई तो ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ है जिनको माइक म्यूट करने का नहीं सेंस, पहले बिल्कुल माइक किसी का ओपन नहीं होता। एफ स्क्वायर पे यहाँ पे 30 N लगाते हैं, एफ की वैल्यू अगर 30 N है तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, ये पूछा। अब इस ब्लॉक और ब्लॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आपको ये नहीं पता होता है कि इनके बीच में स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है। जैसे आपने फोर्स स्क्वायर टू 30 N लगाया ना, आपको ये नहीं पता होता है ये मूव तो करेगा आगे भाई, पूरी चीज आगे जाएगी क्योंकि फ्लोर पर स्मूथ है, लेकिन इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग होगी या नहीं होगी इसके बारे में नहीं पता होता। तो क्या चीज अननोन होती है कि स्टेटस ऑफ स्लिपिंग, स्टेटस ऑफ स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, बिटवीन ब्लॉक, है ना, कि ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग होगी या नहीं होगी ये नहीं पता होता। तो अगर दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तो दोनों का एक्सेशन अलग अलग होगा, अगर स्लिपिंग नहीं होगी तो एक्सेशन सेम रहेगा। तो इस फोर्स पे अभी आपको ये पता नहीं होता, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में इस फोर्स लगाने के बाद स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका होता है कि हम इसमें स्टेप वन जब क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, है ना, कि स्टेप वन में वी अज्यूम कि कर रहा है नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम बोथ ब्लॉक्स राइट मूव टुगेदर, मूव टुगेदर, है ना, कि दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं आपके एक साथ मूव कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया। तो जब एक साथ मूव करेंगे तो आपको पता इसका कुछ एक्सटेंशन होगा, वो एक्सटेंशन हम निकाल लेंगे पूरे को सिस्टम में, इस पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूं तो इनके बीच का फ्रिक्शन तो इंटरनल हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सटेंशन निकालूं अज्यूम बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर एंड कैलकुलेट एक्सलेशन, पहला स्टेप हमेशा ही होता है कैलकुलेट एक्सलेशन, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा कि भाई फोर्स तो 30 N है और टोटल मास 15 है तो 2 m/s² हो जाएगा, है ना। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, इसलिए आपका 2 m/s² अगर हम यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे हैं 30 N, है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, आपको ये पता करना है स्लिपिंग हो रही नहीं हो रही है। तो हम सेकेंड में स्टेप में यूज करते हैं कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, बिटवीन ब्लॉक्स, ये दोनों ब्लॉक के बीच का हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा लें ये कितना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता ही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो μs/N होती है, तो चूंकि म्यू ए की वैल्यू दी हुई है तो μs/N के सेम है, यहाँ से म्यू की वैल्यू आप पुट कर दोगे 0.5। और आप ध्यान रखना कि अगर मैं इस सरफेस में नॉर्मल निकाल फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लूंगा कितना होगा, ये नॉर्मल तो 50 हो जाएगा, अगर यहाँ निकाल रहा होता तो यहाँ का नॉर्मल लगता 2150 होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा सिंपल क्या हो जाएगा कि आपका 50 N, यहाँ पे आप 50 पुट कर दो, तो जैसे हम 50 यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे आपका 25 N, है ना, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 N। तो हम दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव करता हुआ मान लेते हैं एक्सेलरेशन 2 m/s², उसके बाद हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं कितना हो जाएगा आपका 25 N, ये दोनों के बीच में
जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी लगे इसलिए आपकी 25। लेकिन अभी ये नहीं पता कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, अब हम निकालेंगे। पहले स्टेज में तो आपने ये निकाला, सेकंड के स्टेप में आपने ये किया, थर्ड स्टेप में नाउ वी कैलकुलेट द फ्रिक्शन, नाउ वी कैलकुलेट फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन एक्चुअली में लग कितना रहा, अगर ये पूरा चीज इस मूवमेंट पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है तो दोनों ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इस 5 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या 10 का बना लो। आप ध्यान रखना फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस 5 के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड होगी और इस 10 के ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगी। क्योंकि 10 को फ्रिक्शन तो आगे ले जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये आगे चला जाता। ये चीज इसके रिस्पेक्ट में आगे जाने की टेंडेंसी है, तो इस 5 केजी के ऊपर तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, लेकिन इसका रिएक्शन जो 10 केजी पे होगा वो किस तरह होगा, पावर। तो आप किसी भी एक को कंसिडर कर लो, सपोज मैंने कंसिडर कर लिया इस 10 केजी, भाई 10 केजी के ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो आप 10 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, यहाँ पे हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे 10 केजी, है ना। तो आपको 10 केजी में कुछ वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स से तो मुझे मतलब होता ही नहीं, आपको पता वर्टिकल फोर्स जो होंगे इसका एक वेट लग जाएगा 100, यहाँ पे एक आपका नॉर्मल लग जाएगा N2, है ना, और एक ऊपर से नॉर्मल आ जाएगा N1। और ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन लग रहा, और ये फ्रिक्शन तो उसको मूव कर रहा है आगे, भाई इसको जो मूव करने वाला फोर्स है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और आपको पता है फ्रिक्शन ही अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन निकालूंगा कितना लगेगा, मास तो इसका 10 है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है आपने 2 निकाली है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन। अब यहां से मुझे पता चलेगा कि अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि दोनों एक साथ जा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा है वो आपका 20 न्यूटन होना चाहिए। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से प्लस सिस्टम जा रहा है तो ये फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन होना चाहिए। अब आप देखो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 25 न्यूटन है, लेकिन जो एक्चुअल फ्रिक्शन लग रहा है वो तो 20 न्यूटन है, तो मतलब जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग से कम। तो अगर ये फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम लग रहा है, ये हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जो फ्रिक्शन लग रहा है दिस इज लेस देन लिमिटिंग। अगर ये लेस देन लिमिटिंग लग रहा है मतलब ये फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा स्टैटिक, इफ एफ इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा स्टैटिक, हाँ। और अगर ये स्टैटिक होगा तो दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, अगर हम 30 न्यूटन लगाएंगे तो देयर इज नो स्लिपिंग, है ना, कि भाई यहाँ पे स्लिपिंग नहीं था, है ना। तो आपने प्रूफ कर दिया, देखो स्टेप ध्यान रखना, पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला मैंने कितना होना चाहिए, एक्ट कर रहा है एक्ट नहीं बताया, फिर मैंने निकाला कि अगर दोनों एक साथ जा रही हैं तो एक्सेलरेशन 2 होने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये भी 2 से ही आगे जा रहा है ना, तो वो फ्रिक्शन 20 न्यूटन आती है और ये फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम, मतलब ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। अगर ये स्टैटिक होगा तो दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, है ना, स्लिपिंग नहीं होगी मतलब अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, जब हम एफ स्क्वायर टू 30 न्यूटन लगाएंगे तो देयर इज ए बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, है ना, दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे विद सेम एक्सेलरेशन, विद सेम एक्सेलरेशन, है ना। और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी आप A1 ले लो या A2 ले लो, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट का ही आंसर है कि जब हम 30 न्यूटन लगाएंगे तो पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाएगा, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक है और वो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा कि आपके 20। तो आप इसी स्टेप को यूज करना, अदरवाइज आप कोई दूसरा मेथड यूज करके सॉल्व करोगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व, इसको फिर मैं दूसरे फोर्स पे आता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमने फोर्स क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जब फोर्स चेंज कर देंगे तो उस पार्ट में हम, सही बात है ध्रुव आहूजा आपने सही आंसर बताया, पीयूष जी आपने सेकेंड पार्ट का शायद आंसर बता दिया, है ना, वो चेक करता हूँ। हाँ बी पार्ट का आंसर सही है, बी पार्ट के मैं देखता हूँ, मैं बी पार्ट में देखता हूँ, पहले तो फर्स्ट पार्ट क्लियर करो, दोनों एक साथ मूव करेंगे और दोनों का फिर एक्सेशन सेम, इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना इसका होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा
और स्टार्टिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। तो मैं समझता हूँ अब हम आते हैं कि अगर ये फोर्स में चेंज कर दू सेकेंड पार्ट में बाकी सब कुछ सेम रखा मैंने जस्ट ये फोर्स चेंज कर दी। अब मैंने जो फोर्स कर दिया है वो आपका 60 न्यूटन है। अभी भी फिर जैसे आप 60 न्यूटन करोगे अब फिर से हम ब्लैंक होंगे स्लिपिंग होगा नहीं होगा। हम वही स्टेप यूज करेंगे कि अब आपका जो फोर्स हो गया है वो आपका 60 न्यूटन है। अब 60 न्यूटन पे एक साथ हो जाएंगे पता नहीं हो सकता अलग अलग स्लिपिंग हो जाए तो अलग अलग मूव करें है ना। तो मैं क्या करूंगा अभी सब चीजों को हटा दूंगा फिर से सेम स्टेप यूज करूंगा मैं। तो आपको पता है अब जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे फोर्स की जगह पे 60 आ गए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई जैसे आपकी 4 मीटर पर सेकंड। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे तो सेम ही रहेगा क्योंकि आपने अप्लाइड फोर्स चेंज किया है ना दोनों के बीच का नेचर तो कुछ चेंज किया नहीं उतनी रहेगा पहले रहेगा। अब फिर हम ये फ्रिक्शन निकालेंगे तो जब फ्रिक्शन निकालेंगे तो ए चेंज हो चुका है। जब ए चेंज हो गया तो ए की वैल्यू अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से 10 इंटू 4 हो जाएगा है ना। 10 इंटू कितना हो गया 4 ये आपका आ गया 40 न्यूटन। मतलब यहाँ पे बड़ी एक एब्सर्ड सी सिचुएशन आ गई कि ये दोनों को अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि बिना स्लिपिंग के एक साथ जाएंगे तो उसके लिए 40 न्यूटन फ्रिक्शन। लेकिन ये 40 न्यूटन फ्रिक्शन तो पॉसिबल है ही है ना क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन लिमिटिंग से प्रोड्यूस होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है ये तो ए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई भाई ये दोनों एक साथ मूव नहीं करती। सिंपल सा हम बोलेंगे कि इस केस में ये आ गया इसका उल्टा है ना। तो इसका उल्टा अगर आ गया मतलब जो फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा और अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ गया तो हम बोलेंगे इस केस में जो एफ आ रहा है एक साथ मूव करने के लिए वो लिमिटिंग से ज्यादा ये तो पॉसिबल ही नहीं है दिस इज नॉट पॉसिबल ये होगा ही नहीं अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कहीं पे फोर्स ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है मतलब स्लिपिंग होगी है ना स्लिपिंग विल बी देयर। ये दोनों ब्लॉक के बीच में क्या एक्ट करेगा जैसे कि आपका 60 न्यूटन पे स्लिपिंग है और जैसे स्लिपिंग लगेगा आपको पता है यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक हो जाएगा है ना। स्लिपिंग अगर होगा तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा काइनेटिक और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा कि भाई ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा है ना A1 ले लेते हैं और नीचे वाले का एक्सेलरेशन अलग होगा। अगर स्लिपिंग नहीं होगी तब तो दोनों का सेम होगा जैसे आपने बोला दोनों में स्लिपिंग स्टार्ट हुई तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक की बजाय काइनेटिक होगा है ना। तो काइनेटिक जब हो गया तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो हम कैसे निकालेंगे निकाल लेंगे अब दोनों ब्लॉक को अलग अलग आप कंसिडर करो है ना। तो ये स्टेप करने के बाद आप दोनों ब्लॉक को हम अलग अलग कंसिडर करो तो आप देखो मैं 5 kg के लिए जब अप्लाई करूंगा मैं लिखूंगा 5 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 - FK और जब मैं 10 kg के लिए इसको प्लॉट करूंगा तो ये इसमें तो सिर्फ एफ के ही लग रहा है ना इसको तो एफ के ही आगे ले जाएगा फोर्स तो आएगी ये आपको हो जाएगा 10 kg। अब एफ के की वैल्यू मैं निकालूंगा कितनी हूँ तो चूंकि इस केस में एक ही वैल्यू दी हुई तो लिमिटिंग और एफ के सेम होगी है ना। वैसे आपको अलग अलग होते हैं लेकिन चूंकि एक ही वैल्यू दी हुई है तो म्यू के आपका जो आ गया 0.5 आ गया एंड नॉर्मल की वैल्यू 50 तो एफ के की वैल्यू 25 है ना। म्यू एक ही है तो लिमिटिंग और काइनेटिक सेम ही नहीं नेचर चेंज हो गया हम यहाँ पे इसलिए अगर मुझे A1 निकालना है तो 60 - 25 = 5 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 की वैल्यू FK की वैल्यू हम सेम
चैप्टर में यहाँ से उसको बता देना इसका आपको यूज नहीं है। एफ के की वैल्यू 25 है तो ए टू की वैल्यू 2.5 ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। जब 60 लगाएंगे तो ए वन 7 से मूव करेगा, ए टू किससे मूव करेगा 2.5 से, और ए टू की अब ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट रहेगी भाई। ए वन चेंज हो सकता है क्योंकि जब आप फोर्स चेंज करोगे तो ए वन चेंज हो सकता है, लेकिन ए टू तो चेंज हो नहीं सकता ना क्योंकि तो एफ के की वजह से निकल रहा है, और एफ के की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगी 25। तो अगर ये कॉन्स्टेंट है तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कॉन्स्टेंट, ए वन फोर्स के साथ बढ़ता है ना। तो दो पार्ट हो गए भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या था स्लिपिंग नहीं हो रही थी दोनों एक साथ मूव कर रहे, और सेकंड पार्ट में दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, दोनों का एक्सेशन क्या है वैसे कि आपका अलग अलग, तो सेकंड पार्ट हो गया। तो दो पार्ट आपने सॉल्व कर लिए है ना। थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कि भाई जब आपने फोर्स 30 न्यूटन लगाया तो दोनों एक साथ मूव कर रहे थे, जब आपने फोर्स लगाया 60 न्यूटन तो स्लिपिंग हो गई, तो कोई ऐसा ट्रांजिशन आया होगा जब जस्ट उसमें स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई, कोई एक ऐसा ट्रांजिशन आया होगा जिसमें कि जस्ट स्लिपिंग क्या हो गई उसमें आपकी स्टार्ट हो गई, वही फोर्स पूछ रहा है कि भाई फोर्स की किस मैक्सिमम वैल्यू तक बोथ ब्लॉक मूव करेगा। उसी पार्ट में जस्ट ये पूछ रहा है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी है ना, सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टू बोथ मूव टू है ना, कि फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। तो आपको पता है कुछ नहीं करना आपने, जब ये फोर्स का बंधन हो गया इसी का तो मुझे निकालना है कि एफ की किस वैल्यू तक दोनों का एक्सेशन सेम होगा एक साथ जाएंगे। तो आपको पता है जब तक इसके बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक होगा तब तक दोनों एक साथ जाएंगे, जैसे ही फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग हो जाएंगे ना। तो जिस फोर्स तक जिस फोर्स की वैल्यू पे यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगे, पहले पार्ट में आपने बोला स्टैटिक है, सेकंड पार्ट में आपने बोला काइनेटिक है, एक स्टेज पे लिमिटिंग तो लग रहा होगा, और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग, तो जब भी आपको ये चीज निकालना है तो उस टाइम एफ एल एक्ट है ना, एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग, एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग। यहाँ पे जो फ्रिक्शन हम ले लेंगे वो कौन सा फ्रिक्शन ले लेंगे सर, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने निकालो कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 25 मीटर है ना, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो है ना। आपको जान दो कि लोअर ब्लॉक को अगर मैं कंसिडर करूं तो उसको उसके ऊपर 25 न्यूटन फोर्स कर रहा है, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी ना, अगर दोनों एक साथ मूव करेंगे तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो 25 बाय 10 ये आपका हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जब तक सिस्टम का एक्सेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा दोनों एक साथ मूव करेंगे, और अगर ए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पहले से फोर्स आ जाएगा, पहले की इक्वेशन आप लिख दोगे एफ माइनस 25 इज इक्वल टू 5 मीटर, ये आपने बोला कि तब तक ये साथ मूव करेंगे जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो एक्सेशन की वैल्यू 2.5 होगी है ना, और एक्सेलेरेशन अगर 2.5 है तो अपर ब्लॉक का भी 2.5 होगा क्योंकि एक साथ तो मूव कर रहा है, तो उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू यहां पे आप 2.5, तो आप देखो इससे एफ की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, एफ की वैल्यू यहां से 37.5 इस फोर्स तक वो ब्लॉक मूव हो गया, वो ब्लॉक थोड़ा सा टफ कंसेप्ट होगा, इस फोर्स की वैल्यू तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे एक साथ मूव कर, इससे अगर कम फोर्स होगा तो एक्सेशन की वैल्यू इससे कम होगी है ना, अगर एक्सेशन इससे कम होगा तो एक साथ मूव करेंगे, लेकिन जैसे आपने फोर्स इससे ज्यादा बढ़ाया स्लिपिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब दोनों का एक्सेशन क्या हो जाएगा डिफरेंट है। तो पूरी चीज को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, जो भी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं बड़ा एक इंटरेस्टिंग ग्राफ आता है, आपने ही तो बोला कि जब फोर्स की वैल्यू इससे कम होगी तो एक्सेलरेशन भी इससे कम होगा,
दोनों एक साथ मूव करेंगे। जैसे ये फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन इतना लगेगा एट द वर्ड्स ऑफ फिजिक्स, इससे ज्यादा फोर्स अगर लगेगा तो दोनों को फिर एक्सेलरेशन लगेगा, दोनों में क्या स्टार्ट हो जाएगा सकते आपकी स्लिपिंग स्टार्ट। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। अगर इस पूरे सिचुएशन के लिए मैं एक्सेलरेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ प्लॉट करूं, एक्सेलरेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स, जब फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो गया है ना। जैसे ही फोर्स 37.5 न्यूटन होगा इस केस में, उस टाइम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ये 2.5 मीटर पर सेकंड होगा, ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड, इसमें स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहां तक दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, मतलब ये जो ग्राफ है 5 केजी और 10 केजी दोनों के लिए, ये जो ग्राफ है किसके लिए है आपकी 5 केजी एंड 10 केजी दोनों के लिए, ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, स्लिपिंग नहीं होगी है ना। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना कि जब यहाँ पे फोर्स आपने अप्लाई किया था 30 न्यूटन, आपको यही तो आया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 30 न्यूटन पे दोनों का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे हम 37.5 न्यूटन अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, इसके बाद जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो ये ग्राफ सेपरेट हो जाएंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, तो जो 10 केजी होगा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा 2.5 पे रहेगा, क्योंकि 10 केजी में तो फ्रिक्शन ही आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन तो 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 2.5 से उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन 5 केजी का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, स्लोप अलग अलग हो जाएंगे, ये आपका 5 केजी का है ना, ये किसका ग्राफ हो जाएगा सके आपके 5 के, तो ये थोड़ा सा आप ग्राफ ध्यान रखिए भाई, एक स्टेज तक दोनों का ग्राफ सेम होगा, जैसे 37.5 आया यहाँ पे लिमिटेड फ्रिक्शन आ गया, उसके बाद 10 केजी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा जो फ्रिक्शन की वजह से आ जाएगा, और 5 केजी का बढ़ता जाएगा फोर्स प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपने थोड़ा ध्यान दो, जब आपने यहाँ पे फोर्स 16 न्यूटन लिया था तो 10 केजी का एक्सेलरेशन तो 2.5 के आया, लेकिन 5 केजी का एक्सेलरेशन कितना आ गया 7 मीटर। तो जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उस सबका आंसर इसी ग्राफ में, 30 न्यूटन पे दोनों एक साथ मूव करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 37.5 न्यूटन तक दोनों एक साथ मूव करेंगे, और जब आप 16 न्यूटन लगाओगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, एक का 2.5 होगा, एक का कितना हो जाएगा जल्दी आपका 7। वो जो तीन मैंने स्टेप्स बताए हैं उसी स्टेप्स में डिस्कशन को, नहीं तो अननेसरी आप कंफ्यूज होते जाओ है ना, नहीं तो अननेसरी इसमें क्या होगा सके आपका बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब स्लिपिंग हो जाएगी, कि जब दो चीज के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा ना। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ, इस तरह से आप सोचो कि भाई ये एक कोई चीज है ना, इसके ऊपर मैंने कोई दूसरा चीज रख दिया है ना, एक कोई इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट है ना, और इसके ऊपर आपने कोई दूसरी चीज ऐसे रख दी, ये ऐसे रख दिया आपने ऐसे है ना, तो अगर मैं इस पर ऐसे ले जा रहा हूँ दोनों को, तो दोनों एक साथ जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और जैसे काइनेटिक का मतलब फिर तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग ही हो सकता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आगे पीछे भी जा रहा है ना, तो दोनों का ग्राउंड से देखेंगे तो एक्सेलरेशन डिफरेंस हो जाएगा, जब काइनेटिक का मतलब दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट, वही आगे भी जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में स्लिपिंग, तो ग्राउंड रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा डिफरेंस, जब तक स्टैटिक है स्लिपिंग नहीं हो रही है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा आपका इस तरह से मैंने बोला ना भाई सूडो फोर्स तो एक ऐसी चीज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में बात करनी, मैं सारा कुछ ग्राउंड से देख रहा हूँ, सारा कुछ मैं किससे देख रहा हूँ जैसे आपके ग्राउंड है ना, सारा कुछ मैं किससे देख रहा हूँ जैसे आपका ग्राउंड से, मैंने सर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं करेक्ट सिचुएशन में, और सर फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है,
और हम नीचे वाले ब्लॉक में सर फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सर नीचे वाला तो मूव कर जाएगा सर, ऊपर वाला गिर जाएगा, बिल्कुल सही। इस केस में भी, इस केस में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये 10 केजी है और ऊपर में आपने 5 केजी रख दिया और मैंने बोला कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, आप इसको आगे ले जाओ, ये तो आगे चला जाएगा, यही रहेगा, इसको फ्रिक्शन तो आगे ले जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं तो आगे नहीं जाएगा, ऐसे आपका कहना ही सही। 10 केजी फोर्स लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा है ना, तो ऑब्वियसली बात है जब फ्रिक्शन होगा तो उसके साथ ही आगे जा सकता है, अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो ये 10 केजी आगे चला जाएगा, यही पे टॉप अगर आप 10 केजी पे फोर्स लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 10 केजी वाले के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड लग जाएगा और इसका रिएक्शन 5 केजी के ऊपर पावर, तो 5 केजी वाले को फ्रिक्शन ही आगे जाएगा, जिस चीज पे हम फोर्स लगाते हैं वो तो फोर्स की वजह से आगे जाता है, अगर दूसरा भी इसके साथ आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से आगे है ना, अगर फ्रिक्शन ना हो और ज्यादा ये आगे चला जाएगा, यही बताओ फ्रिक्शन की वजह से, तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन मोशन को कहाँ अपोज करता है, 5 केजी का मोशन को सपोर्ट करता है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो 5 केजी आगे जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, वो जो 10 केजी का ब्लॉक है वो कांस्टेंट कैसे रह रहा है, मतलब जब फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी तो पड़ेगा, उसका जो बैकवर्ड फोर्स होगा, ये किसने बताया आपको कि फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, मैं तो नहीं बताया बिल्कुल आपको, जब फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ये हो नहीं सकता ऐसा, आप जितना मर्जी फोर्स ले लो, जैसे आपने बोला 10 केजी, बिल्कुल नहीं बताया मैंने, ये 10 केजी है और ये 5 केजी, आप फोर्स 5 केजी पे लगा रहे हो, आपने 100 न्यूटन लगा दिया, तो आपको तो 100 न्यूटन में उसके अकॉर्डिंग स्थिति हो जाएगी, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है इसके इस फोर्स से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है म्यू के इंटेंसिटी, उसको इस फोर्स से कोई मतलब ही नहीं, जितना मर्जी हो जाए, इस फोर्स से ये डिसाइड हो गया कि किस नेचर का फ्रिक्शन है, वही इस फोर्स पे स्लिपिंग होगी मतलब काइनेटिक लग, एक बार जब काइनेटिक लग जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहता है, वेरिएबल थोड़ी होता है, यहाँ से एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू के 0.5 और यहाँ का नॉर्मल, यहाँ का नहीं, यहाँ का नॉर्मल जो होगा यहाँ से 25। अब देखो 10 केजी को आगे फ्रिक्शन को ले जा रहा है, अगर मैं 10 केजी का एक्सप्रेशन एक निकालू, ये आपको हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 10, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका हो गया 25 और यहाँ 10 आ गया, ये तो 2.5 पे जाएगा, अब जितना मर्जी फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से इसका एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, 37.5 के बाद जितना मर्जी फोर्स लगाओ, 60 लगाओ, 100 लगाओ, है ना, क्योंकि इसको जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन आगे ले जाता है उसका एक्सेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट होगा, वो अपने एक्सेशन है, वह नीचे वाले का एक्सेशन कांस्टेंट हो गया, इसका एक्सेशन बढ़ता जा रहा है, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्लिपिंग हो, तभी इसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या हो रही है, आपकी स्लिपिंग, तो इस तरह से थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है ना, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, इस तरह से आप इसको बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक। वन बाय वन मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, तो ये कंसेप्ट मुझे बताना था, नहीं तो स्टूडेंट अपना आइडिया लगाते हैं और हमेशा गलत सलत डिस्कस करते हैं, नहीं एक बार आपका मैं चैट भी रिव्यू करूंगा जो ग्रुप में आपने किया हुआ है, कई बार कई गलत चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं आप, तो उसको मैं फिर करेक्ट करूंगा जिस दिन भी डाउट्स आ जाएंगे, कई बार क्या होता है कंसेप्चुअली रॉन्ग चीजें हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, वो होता है 11th में, जब स्टार्टिंग में आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जरा सर,
टेबल फ्रिक्शनलेस है, दोनों के बीच में म्यू एस एंड म्यू के अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ये लिमिटिंग केस का ही केस है, तो म्यू के यूज नहीं होगा, लिमिटिंग केस ही पूछ रहा है ना कि किस वैल्यू पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा इसको। दोनों का मास 1 kg, इधर 1 2 उसका नंबर दिया हुआ। हाँ, सही है आपका आंसर, गर्व आपका सही आंसर है। सर 40/3 नहीं नहीं बेटा, मैसेज करना है, मैसेज करना है चैट बॉक्स में, बोलना नहीं है। ओके सर, आंसर सही नहीं है आपका, अनिरुद्ध सही है आपका आंसर। हाँ, तेजोशी और आंसर इज करेक्ट, तेजोशी और आंसर इज करेक्ट।
हाँ घर सही है आपके आंसर, पहले तो सही बोला था आपने, फिर दोबारा चेंज क्यों किया? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बताता हूँ देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एकदम ध्यान से आप समझना सकते। कुछ नहीं है इसमें, दो लाइन का क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, हर क्वेश्चन दो से तीन लाइन के होता है, मतलब बड़ा देखने में क्यों ना हो तीन लाइन का सॉल्व करेंगे। आप क्या करोगे, आप ऐसा मान लोगे दोनों इस तरह जा रहे हैं तो दोनों को आप सिस्टम ले लोगे, फ्लोर पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, इसका फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा तो आप निकाल लो दोनों एक्सटर्नल चाहिए, तो एक्सटेंशन की वैल्यू आपकी हो जाएगी p माइनस p बाय टू, p इधर लग रहा है p बाय टू लेफ्ट पर लग रहा है, बाय टोटल मास 2 हो गया आपका, है ना। तो यहाँ से एक्सटेंशन की वैल्यू p बाय 4 होगी, p बाय 4 मीटर पर सेकंड, p आपको पता नहीं है। अब इससे बोला कितना पी होगा ताकि इसके केस में जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगने लगे वो लिमिट नहीं लगने लगे, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा लगने लगे लिमिट, है ना, इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगने लगे लिमिट, तो किसी भी एक को आप कंसिडर करो क्या, क्योंकि दोनों को लोगे तो इंटरनल हो जाए, 1 kg नीचे वाले को ले लो या 1 kg ऊपर वाले को ले लो, मैं 1 kg नीचे वाले को ले लेता हूँ, तो जब मैं इस 1 kg का कंसिडर करूंगा फोर्स को, P राइट पर लग रहा है, FL नीचे लग रहा है, यहाँ से P माइनस FL इक्वल टू आ गया, इक्वल टू 1 मास है इनटू एक्सेलरेशन आ गया। अब हम FL निकाल लेंगे, FL की वैल्यू होती है μs इनटू n, इस क्वेश्चन में μk का कोई यूज ही नहीं, जस्ट ऐसे दिया हुआ है, तो μs कितना दिया हुआ था आपको पता है, μs 0.75 है इनटू यहाँ का नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल 10 न्यूटन होगा, यहाँ से एफ एल की वैल्यू जो होगी वो आपकी 7.5 न्यूटन, यहाँ से जो एफ एल की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 7.5 न्यूटन, तो आप यहाँ वैल्यू चूज कर दो तो P माइनस 7.5 आ गया इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू P बाई 4 है, इससे P की वैल्यू आप निकालो कि भाई इतना पी लगाएंगे तो एक्सेशन इतना होगा और उस टाइम फ्रिक्शन लिमिटिंग एक्ट करेगा, जस्ट गिविंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से आपका आंसर आता है, तो इसको अगर हम इधर उधर ले जाएं तो 3P/4 इज इक्वल टू 7.5 का मींस P इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 न्यूटन, आंसर कितना है इसलिए आपका 10 न्यूटन से सिंपल है ना, तो भाई 10 न्यूटन जो होगा इसके बीच में सही आंसर, सही बात है ध्रुव आपका आंसर सही है, 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, कि जब तक ये फोर्स 10 न्यूटन होगा तब तक दोनों एक साथ मूव करेंगे, जैसे आप फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे दोनों फ्रिक्शन स्लिपिंग स्टार्ट होगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज हो, अदरवाइज तो काइनेटिक का कोई यूज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 3 ब्लॉक का देता हूँ, 2 ब्लॉक से हम 3 ब्लॉक पे आते हैं, वैसे मतलब 10 ब्लॉक हो तो भी कर लोगे आप, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, है ना, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ग्राउंड में सब में फ्रिक्शन 0 है, अदरवाइज फ्रिक्शन हो भी सकता है ग्राउंड में भी, लेकिन चूंकि सिंपलिसिटी के लिए थोड़ा सा हम फ्रिक्शन 0 ले लेते हैं ग्राउंड। सर 100 न्यूटन पूरे पे लग रहा है ना, ऊपर 10 केजी पे लग रहा है, 20 और 30 अगर आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आगे जाएंगे, 10 केजी पे 300 न्यूटन,
हाँ शिवा सही आंसर है, शिवा योर आंसर इज करेक्ट। हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें तो काइनेटिक दिया ही नहीं हुआ है। प्रियांशु सही आंसर है। रिया सही आंसर आपका, मनस्वी सही है, सही आंसर आपका, अनिरुद्ध सही है। हाँ ठीक है चलो, काफी लोगों के सही आंसर आ गए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एकदम। भव्या सही है आपका आंसर, भव्या योर आंसर इज करेक्ट है ना, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे है ना मुझे मतलब जो आंसर करेक्ट है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही है, इसमें आंसर सही है ना, कहते तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है ना। 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चन का ये आंसर सही, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ सी ऑप्शन सही, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई स्टेप को आप वॉलेट मत करना, स्टेप जहां वॉलेट करोगे घर पर आंसर आने लगेंगे हाँ। तो सबसे पहले स्टेप का हम एक्सेशन निकाल लेंगे, अगर हम सबको एक साथ अगर ज्यादा है तो एक्सेशन कितना होगा। ओके अच्छा जो वैल्यू आ गई आपकी आ गई 5/3 मीटर। ये तीनों अगर एक साथ जाते हैं तो इतना होगा, हमें पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं कि तीनों एक साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि ये स्लिप कर रहा हो, ये दोनों एक साथ जा रहे हो, या तीनों अलग अलग मूव कर रहे हो, हर जगह भी स्लिपिंग हो रही हो, यहाँ भी स्लिपिंग हो रही है, यहाँ भी स्लिपिंग हो रही है। मैंने तो मान लिया तीनों एक साथ जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम हर जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो पहले मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालता हूँ 10 और 20 के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालता हूँ। सर 50 आ रहा है। हाँ
10 और 20 के बीच में जो लिमिटिंग होगा सर 50 आर और फिर मैं निकालूंगा 20 एंड 30 के बीच 0.5 × normal 300 ये सेकंड स्टेप हो गया लेकिन अभी हम ये नहीं पता कि इतना प्रेशर लग रहा है नहीं लग रहा है इसलिए पता है तो अब मैं निकालता हूं कि अगर सारे एक साथ जाएंगे तो कितना फ्रिक्शन लगेगा मैं इसको यहां पे शो करूंगा ध्यान रखना कि सारे अगर एक साथ हम एज्यूम कर लें कि 5.3 से सारे जाओगे तो कितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट और 10 kg के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा इसको हम एप्पल ले लेते हैं ये लिमिटिंग होगा या नहीं होगा नहीं पता मुझे इसके ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग जाएगा एक्शन का रिएक्शन इसके ऊपर बैकवर्ड लग जाएगा इसके ऊपर फॉरवर्ड लग जाएगा मैं म्यू हटा देता हूं तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी मैं 10 kg के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा अगर इस 10 kg पर बैकवर्ड लग रहा है तो उसका रिएक्शन 20 kg पर फॉरवर्ड लगेगा इन दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन F2 20 पे बैकवर्ड लगेगा इसके ऊपर फॉरवर्ड लगेगा तो लगेगा ही 30 kg अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से आगे जा रहा है और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं ये सरफेस क्या है उसकी आपका इसमें अब मैं निकालता हूँ तो भाई किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम लगा के निकाल सकता हूँ मैं तो मुझे F1 निकालना लग सबसे पहले मैं 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ 10 kg का यहाँ पे 100 N लग जाएगा एंड यहाँ पे फ्रिक्शन आपका आ जाएगा F1 और ये 5/3 से आगे जा रहा है यहां से आपका आ गया 100 − F2 = 10 × 5/3 यहां से F1 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो यहां से F1 सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है आपका वैल्यू ऑफ F1 कितना भाई F1 यहां से रोटर का सॉल्व करके F1 की वैल्यू हो जाएगी 100 − 50/3 अगर ये पॉसिबल नहीं है मतलब 10 और 20 के बीच में स्लिपिंग है ना अगर ये पॉसिबल नहीं है then slipping between the 10 and 20 slipping between 10 and 20 dono ek sath ja hi nahi sakte dekhte hain aapne decide kar liye ki bhai agar jo friction required hai isko ek sath move karne ke liye agar wo limiting se zyada hai then possible nahi slipping matlab 10 aur 20 ke beech mein slipping hota ab main consider karta hu 30 kg ko system pe leta hu aap 20 ko bhi le sakte the then 30 ke zyada se आप यहाँ पे 30 को सिस्टम दे बाबू 30 kg पे तो एक ही फोर्स लग रहा है तो F2 है और इसका एक्सेशन भी कितना आपने एज्यूम किया 5/3 यहाँ से F2 की वैल्यू आप निकालो तो F2 इक्वल हो जाएगा 30 × 5/3 तो ये आपका आ गया 50 अब सही है ये जो 50 न्यूटन आ रहा है F2 है ना दिस इज लेस देन FL2 ये जो फ्रिक्शन आ रहा है वो लेस देन F2 है मतलब ये फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा आपको पता है इसमें F1 आप डिसाइड कर चुके हो कि F1 जो होगा वो काइनेटिक होगा क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई वहां पे जो F2 होगा वो कैसा होगा जैसे कि आपको स्टैटिक होगा मतलब इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं मतलब सिचुएशन ऐसी होगी कि जैसे आप 100 N फोर्स लगाओगे तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे ये दोनों कैसे मूव करेंगे एक साथ आगे है ना ये दोनों कैसे मूव करेंगे जैसे कि आपका एक साथ आगे और ये जो होगा यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि आपकी स्लिपिंग स्टार्ट यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि आपकी 10 kg और स्टेबल
तो आपको किसका निकालना था मुझे एक्सेशन, आपको एक्सेशन जो निकालना था 20 के, तो आप क्या करोगे 20 एंड 30 को सिस्टम में, या 20 एंड 30 को क्या ले लोगे सके आपका सिस्टम, इस पूरे केस में 20 एंड 30 को क्या ले लोगे सके आपका सिस्टम में, उससे आप सॉल्व करो जो कितना आपका आंसर, हां इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट आंसर यू गेट, ये कितना आपका इस केस में आंसर आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है 75, हाँ उससे आप सॉल्व करोगे तो जो एक्सेशन की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, एक्सेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी आपकी 1, इस तरह से इसको क्या करेंगे इसके आपका सॉल्व, तो ये आपका आंसर, ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, अब क्वेश्चन ये हो गया कि 20-30 एक साथ मूव करेंगे, दोबारा मैं प्लॉट कर लेता हूं 20-30, तो आपको 10 से कोई मतलब नहीं है, आप 20-30 को एक साथ मूव, ये 30 ये 20, इन दोनों को, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हो गए, यही तो आगे ले जा रहा होगा, और इस फ्रिक्शन के नेचर आप डिसाइड कर चुके हो कि ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन हो चुका है, काइनेटिक, मतलब ये वाला जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक हो चुका, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन, तो म्यू कितना था ऊपर वाले सरफेस पे 0.5 और नॉर्मल कितना था 100 था, मतलब ये फोर्स 15 न्यूटन, तो जो फोर्स इन दोनों को आगे ले जा रहा है वो सिर्फ 15 न्यूटन की तरह, तो इसका एक्सेशन एक्चुअली में कितना हो जाएगा, एक्सेशन की वैल्यू हो जाएगी 50 बाई दोनों का मास 1 मीटर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करंट, तो हर चीजें मैंने डिटेल में आपको इसकी बताई किस तरह से हम इसको सॉल्व कर, पहले वो डिसाइड करना बड़ा जरूरी है, इसका सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का एक्सेशन तो 1 होगा, इसके एक्सेशन कुछ अलग होगा, इसके एक्सेशन भी हम निकाल सकते हैं कि 10 केजी का कितना होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस पीछे फ्रिक्शन 15 इक्वल टू 10 इनटू एक्सेशन, ए की वैल्यू 5 है, मतलब जैसे 100 फोर्स लगाएंगे तो ये 5 से आगे जाएगा, ये दोनों 1 से आगे, यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट, ये आप इस तरह से सॉल्व, तो हमेशा फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर जरूर बनाना, दोनों में क्या होगा इसलिए आपका एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज ए ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक तो ये कंसेप्ट बचा हुआ है, तो एक दो कंसेप्ट आपके और बड़े इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, वो जो स्ट्रिंग वाला मैंने क्वेश्चन दिया था अभी भी उसका आंसर नहीं आया कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, आपको इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ है ना, पहले थोड़े से और फंडामेंटल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उस पर हम आते हैं, जैसे कि यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, और बाद में बीच बीच में क्लास इसकी लेते रहूंगा मॉड्यूल 1 की, आप चिंता नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी, इवन इफ यू हैव स्टार्टेड इट स्टार्ट हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता अपना ना, आप इसको करो बीच बीच में क्वेश्चंस की क्लास, लेकिन अभी आपका काम होना चाहिए कि मॉड्यूल 1 कंप्लीट,
अभी मैं चेक करता हूँ बेटा, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं पता है, मैं आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, रफ इंक्लाइन प्लेन में जो टाइम लग रहा है वो ट्वाइस है, ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द, है ना, तो कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये सही है, निकाल लेंगे इसमें एंगल 45 डिग्री। अरे इसमें तो आंसर में कोई मैच ही नहीं कर रहा है यार, आप जो ऑप्शन भेज रहे हो, पता नहीं यार इसमें तो ऑप्शन में तो आपका आंसर है ही नहीं ना, न्यूज चाह शायद आपका आंसर सही है। भव्या एंड अनिरुद्ध आपके भी सही है, मैं चेक करता हूँ, मेरे पास इसका आंसर नहीं होता, आंसर नहीं है तो मुझे फिर चेक करना पड़ेगा ना। आंसर में चेक करता हूँ, चेक करते हैं, देखो कुछ नहीं इसमें है, आप चेक कर लो इसे, इसने बोला हुआ है कि एक ब्लॉक अपने एममास के अंदर रख दिया और ये सरफेस रफ है, तो रफ सरफेस होगा तो इसमें दो फोर्स लग जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी साइन थीटा और दूसरा अगर स्लिप कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, क्योंकि म्यू टू एन होता है, एन यहाँ पे एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसके डिफरेंस की वजह से इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, इस केस में इसका जो एक्सटेंशन होगा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा फोर्स बाय मास। फर्स्ट केस में एक्सटेंशन ये हो गया, सेकंड केस में आपको बताया ये स्मूथ सरफेस है, अरे स्मूथ सरफेस तो सिर्फ इसमें एम जी साइन थीटा ही लगेगा, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो सिर्फ जी साइन थीटा होगा, और दोनों एस डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो टाइम कितना लगेगा निकालना, तो मैं इक्वेशन का इंडेक्स यूज कर लूंगा, भाई एस इज इक्वल टू जो होगा वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टू एस बाई ए हो गया, है ना, जो टाइम की वैल्यू हो जाएगी वो कितने जगह से की आपकी अंडर रूट ऑफ टू एस बाई ए, क्योंकि रस से हमने स्टार्ट किया यूज कर लीजिए बोले, तो जब रफ प्लेन में लेंगे तो टाइम सपोज टी वन लग रहे हैं, ये जो टी वन होगा ये आपको हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू एस बाई ए, ए की वैल्यू आप वहां से पुट कर दोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जब स्मूथ प्लेन में टाइम लगेगा इसको टी टू ये आपको आ जाएगा टू एस बाई जी साइन थीटा, और इसमें तो दिया हुआ है कि ये जो टाइम है इसका डबल है, मतलब टी वन इज ट्वाइस ऑफ टी टू, इसमें जो टाइम लग रहा है इस टाइम में क्या है कि आपका डबल है, यहां से टी वन टी टू की आप वैल्यू कर सकते हैं, और थीटा इसने 45 दिया हुआ है वो पुट कर दो, क्या आंसर आ रहा है वेरीफाई करूंगा किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे फाइनल आंसर देखो क्या लगता है, इसे सॉल्व करके मुझे बताओ, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, इसलिए आप जो बताओगे मैं मान लूंगा। मनस्वी आपका सही है क्या आंसर, इसको सॉल्व करके म्यू निकालना है, हाँ शी 1/3 इज द करेक्ट आंसर, सही है 1/3 सही आंसर होगा, है ना, अगर इसको सॉल्व करके 1/3 आ रहा तो 1/3 सही होगा, ध्रुव एन आरुषि सही है, है ना, तो 1/3 तो किसी का नहीं आया था पहले, अभी आया आरुषि और ध्रुव का, बाकी लोग भी एक बार वेरीफाई कर लो,
या 1/3 सही है। अरे रिया गुप्ता 3/4 दिखा रहे हैं यार, इससे जो आ रहा है वो सही आंसर। तो मुझे देखना पड़ेगा जहां से मैंने क्वेश्चन लिया, 1/3 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। हाँ 3/4 इज द करेक्ट आंसर सर, 3/4 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर, जब सॉल्व करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू इस केस में 3/4। काफी लोगों ने सही भेजा था आंसर 3/4, है ना। रिया सही आपका आंसर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। सेबा 3/4 सही है, बहुत पहले आपने भेज दिया था। सुहाना सही है, मनस्वी सही है, आपने ही भेजा था पहले, है ना। 3/4 पीयूष जी आपका आंसर सही है, सेबा सही है आपका आंसर, 3/4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ध्यान रखना कैसे किया हमने इसको सॉल्व, है ना। 3/4 अर्णव कुशवाहा सही है। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेरा मार्कर खत्म हो गया भाई, आज मैं इन डालना भूल गया, इसमें बड़ा हल्का चल रहा है। चलो कोई नहीं, अब तो ज्यादा देर की क्लास में। हाँ उससे पिछले क्वेश्चन का आंसर सही है आपका 3/4। इतनी देर में 7 आंसर आ गए यार। सात आंसर अलग अलग है, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं 7 तो आंसर जो है वो अलग अलग है। हाँ मनस्वी जी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई लेवल नहीं होता है कि ये मेंस है एडवांस का है, कंसेप्ट यूज होते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में कंसेप्ट बेसिकली आपका यूज हो।
एक्सप्लेन करता हूँ उसको, है ना। इसका भी एक्चुअली आंसर मैं आपका वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, और सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। आज जे एडवांस चल भी रहा है, तो शाम तक पता चल जाएगा कैसा आया। इस बार वैसे बच्चों को अच्छा चांस मिल गया है बेटा, दे आर कोरोना की वजह से दे आर लकी ना, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बहुत कम हो गए, कॉम्पिटिशन इस बार काफी कम है, बहुत सारे बच्चों हैं ना इधर उधर एडमिशन के एस्पायरेंट्स कम है, इस बार थोड़ा भी अच्छे से कोई बच्चा कर लेगा तो उसका हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोरोना चल रहा था लेकिन वो इन बच्चों के लिए बहुत सही हो गया। चलो मैं चेक करता हूँ इसे, है ना। देखो क्या क्वेश्चन है, आप समझो कि इसने बोला है कि एक एफ1 फोर्स लगा के जस्ट हम इसको नीचे आने से रोक रहे हैं, यहाँ पे आपने एफ1 फोर्स लगा के जस्ट इसको नीचे आने से रोक, और दूसरे केस में इसको ऊपर ले आना चाहते हैं। देखो जब नीचे आने से हम रोकेंगे ना तो होगा कुछ नहीं, इसमें एक फोर्स एमजी सेंट का तो लगेगा ही, जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपवर्ड लग जाएगा और वो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एमजी कॉस, क्योंकि इसके नीचे जाने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, है ना भाई। एमजी सेंटर इसको नीचे लाना चाहता है, लिमिटेड फ्रिक्शन इतना है, जो डिफरेंस होगा उसको एफ1 प्रोवाइड कर रहा होगा ताकि नीचे नहीं आए। पहले केस में क्या, सेकेंड केस में इसको ऊपर ले जाना है, जो ऊपर ले जाना है तो आपको एम जी साइन किएगा तो अभी भी नीचे एक्ट करेगा, लेकिन अब इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट करता है, तो पहले नीचे जाने की टेंडेंसी तो फ्रिक्शन ऊपर लग गया, अब अगर ऊपर ले जाना चाहते हो आपसे ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो यही फ्रिक्शन किस तरफ लग जाएगा, सेम डाउनवर्ड फ्रिक्शन लग जाएगा। यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन होगा ये भी आपका लिमिटिंग नेचर का हो जाएगा, क्योंकि जस्ट ऊपर ले जाना है, जस्ट स्लाइडिंग अपवर्ड यूज में, ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, केवी कितना हो जाएगा इसलिए आपका म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इसने ये बोला हुआ है कि जो जस्ट प्रिवेंट कर रहे हैं वो जो फोर्स है और जो स्लाइडिंग अप वाला फोर्स है F2 इज ट्वाइस ऑफ F1, तो हम F1 निकाल लेते हैं बाकी, तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की जो वैल्यू आ गई अगर इक्विलिब्रियम हम देखें, अगर हम इस केस में इक्विलिब्रियम ले लें तो जस्ट वर्ड का मतलब इक्विलिब्रियम ही होता है, तो यहाँ से जो F1 की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस, सही ना, F1 और वो ऊपर है तो F1 तो लग जाएगा। जब हम यहाँ से F2 निकालेंगे तो F2 की वैल्यू में दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो एम जी साइन थीटा प्लस आपका म्यू एम जी कॉस, और इन दोनों फोर्स में रिलेशन जो F2 है वो ट्वाइस ऑफ F1 भाई, ऊपर ले जाने वाला फोर्स है उसको प्रिवेंट करने वाले फोर्स का डबल, यहाँ से F2 पुट करो यहाँ से F1, है ना। देखो म्यू के टर्म्स में क्या आंसर आ रहा है आपका, उससे फिर एंगल आ जाएगा ना म्यू और थीटा का रिलेशन, टैन इनवर्स ऑफ 3 न्यू, मतलब टैन इनवर्स 3 न्यू, अच्छा मतलब यहाँ से जो टैन थीटा होगा वो 3 न्यू आ जाएगा, मतलब 3 आएगा, सही बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ टेन इनवर्स 3 म्यू आ गया, तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कि जस्ट प्रिवेंट के लिए क्या होगा, निहाल रावत सही आंसर है आपका, है ना, टेन इनवर्स 3 म्यू पहले जो आंसर भेजा था ऑप्शन डी मनस्वी इस करेक्ट आंसर है आपका था पहले, आदिति जोशी आपने सही आंसर भेजा था पहले, आपने जो भेजा था है ना सही, टेन इनवर्स 3 म्यू है ना, किसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3 आपका, बाकी मैं एक होमवर्क दे दूंगा उसको आप कर लेना, आई विल गिव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
इसको क्लास में ही करना है, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी प्रेसेंस के साथ थोड़ा सा देखना है ना, इस क्वेश्चन को आप प्रेसेंस के साथ। कुछ लोग आंसर भेज रहे हैं। हाँ पीयूष जी आपने पहले किया हुआ है, सही है ना, सही आंसर है। इसमें एक ट्रिक होती है वो मुझे बताना था एक्चुअली, इस तरह के जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें एक ट्रिक होती है वो। नहीं ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, मेरा टोटल मीओ का कोई कंसेप्ट नहीं होता, अलग अलग लेंगे इसको हम, अलग अलग लेंगे। अभी आपका आंसर सही है, हाँ सही बात है। अब मतलब बीएम शर्मा में आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, मतलब मोस्टली बुक्स में रहता है क्वेश्चन, मैंने तो किसी दूसरे बुक से लिया हूँ। अभी आपका आंसर सही है। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, एक्सप्लेन। एक्चुअली में सी ऑप्शन सही है इसका, यथार्थ योर आंसर इज करेक्ट, यथार्थ योर आंसर इज करेक्ट है ना, सी आंसर इज करेक्ट आंसर है इसका। क्या निकालना था आपको, F1, F2 एंड है ना फ्रिक्शनल फोर्स, F1, F2 एंड आपका T निकालना है, F1, F2 एंड T है ना। एक्चुअली में ना इसमें दो क्वेश्चन में डाउट हो जाता है कई बार, दो आंसर में है ना, तो वो मैं हटाना चाहता हूँ कि दो आंसर में डाउट जब हो जाए तो कैसे इसको करेंगे। पहले तो ये देखो कि पूरी चीज मूव करेगी या नहीं करेगी। तो आप देखो नेट अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है, नेट अप्लाइड फोर्स है 8-1 तो 7 न्यूटन, और दोनों जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.2 × 20 है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका 4 न्यूटन है,
और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, यहाँ पे 0.2 × 30 हो गया, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया 6 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन का है लेकिन दोनों का टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर FL, टोटल FL दोनों का जो हो जाएगा वो 4+6 होगा, मतलब ये 10 न्यूटन होगा। अप्लाइड फोर्स तो सिंपल आपका 7 न्यूटन ही है लेकिन FL जो दोनों का मिला के ले लें लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो 10 न्यूटन होगा, मतलब अप्लाइड फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स मींस रेस्ट पर रहेगी, मूव नहीं करेगी क्योंकि अदरवाइज लगता है कि स्लाइड करते आगे चले जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम। अब अगर मूव नहीं करेंगे तो फिर से आप इस डायग्राम को दोबारा बनाएं, अब उससे हमें कोई मतलब है ना, अगर ये मूव कर जाती फिर तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता क्योंकि इसलिए आसान हो जाता क्योंकि फ्रिक्शन ही लगने लगता दोनों जगह का फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग या काइनेटिक एक ही चीज होती तो वो लगने लगता फिर काट देते, लेकिन जब मूव नहीं कर रही है ना तो आपको पता नहीं है कि फ्रिक्शन कौन सा हो रहा है, अब मूव नहीं कर रहा है तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन हम यहाँ पे नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि इसमें एक ब्लॉक जो होगा ना वो एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग और एक रेस्ट पे होगा, एक जगह पे लिमिटिंग लग रहा होगा एक जगह पे स्टैटिक लग रहा होगा है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट, यहाँ 8 न्यूटन लग रहा है यहाँ 1 न्यूटन लग रहा है ना, और अब हम इस फ्रिक्शन के बारे में टोटली इग्नोरेंट है, जो फ्रिक्शन का नेचर होगा इसके बीच में अब क्या होगा हाँ ये पता है कि आगे नहीं मूव कर रही इक्विलिब्रियम है लेकिन अब फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा वो नहीं पता है, तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा लेट एज्यूम कि भाई यहाँ पे लिमिटिंग लग रहा है, मैंने यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया कि इस जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे मैंने इसको 8 न्यूटन यहाँ लगाया ना इधर जान लेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ लगेगा और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे 6 न्यूटन, और अगर ये मूव नहीं कर रहा तो इसमें टेंशन कितना लग जाएगा, अगर आपने यहाँ पर लिमिटिंग मान लिया 6 न्यूटन एक टेंशन लगाना पड़ेगा क्योंकि फोर्स में डिफरेंस है और इसको रेस्ट पे रखना है, तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की ट्राई करूं लेफ्ट टू जो फ्रिक्शन है वो आपने 6 न्यूटन ले लिया, जो टेंशन आ गया वो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 2 न्यूटन आ गया, अभी एक आंसर पक्का करेक्ट है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा अज्यूम किया कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है 8-6 जो होगा टेंशन पॉइंट, टेंशन 2 न्यूटन ये आपका 6 न्यूटन। अब अगर मैं इस 2 केजी को कंसीडर करूं तो इधर तो 1 लग रहा है और टेंशन इधर टी उसके लगेगा है ना, अब इसके बाद टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग में सेम ही होगा, तो टेंशन अगर 2 न्यूटन है और ये 1 न्यूटन है तो इसका डिफरेंस से तो फ्रिक्शन होगा, हम बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्शन F1 लेफ्ट पर लगेगा है ना, F2 तो आपने 6 न्यूटन ले लिया, ये 6 न्यूटन आपका लिमिटिंग है, F1 लेफ्ट पर लग रहा होगा और वो टेंशन उसके डिफरेंस हो जाएगा तो F1 की वैल्यू 1 न्यूटन, यहाँ से आपने एक सेट आंसर कर दिया कि F1 1 न्यूटन, और अगर F1 1 न्यूटन है आप बता दो यहाँ का लिमिटिंग तो 4 न्यूटन है, मतलब F1 का जो नेचर होगा वो स्टार्टिंग, ये लिमिटिंग है ये टेंशन 2 न्यूटन है और ये स्टैटिक, ऐसा हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम ही तो होता है, ये पॉसिबल है, ये आंसर तो बिल्कुल सही है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही है, 6 न्यूटन 2 न्यूटन 1 न्यूटन इतना लगे। इसमें क्वेश्चन के मन में क्वेश्चन ये आता है कि आपने लिमिटिंग यहाँ लिया लिमिटिंग यहाँ भी लग सकता था, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, आप वहां पे लिमिटिंग लगा के देखो ये वहां पे दूसरे में हम 2 केजी पे लिमिटिंग लगा लगाए, इसमें लिमिटिंग नहीं लगा के हम 2 केजी पे लिमिटिंग लगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 न्यूटन लग रहा है ना, और अब से बात है लिमिटिंग लगेगा इसका पीछे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया 4 न्यूटन, 1 इधर 4 न्यूटन, इसके अकॉर्डिंग टेंशन यहाँ पे फाइंड कर लूंगा, टेंशन यहाँ पे कितना होना चाहिए 5, तभी तो होगा तभी तो बैलेंस करेगा, तो दूसरा आंसर ये आ गया कि भाई जो F1 है वो 4 न्यूटन है लिमिटिंग लेके, तो उसके अकॉर्डिंग टेंशन की वैल्यू 5 न्यूटन है, इसके अकॉर्डिंग टेंशन 2 न्यूटन आया था इसके अकॉर्डिंग 5 न्यूटन है, अब इसके बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है ना क्या होगा,
तो सेम टेंशन 5 न्यूटन इधर लग जाएगा, है ना, सेम टेंशन 5 न्यूटन इधर लग जाएगा, और अगर ये रेस्ट पे है तो इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस तो कर रहा होगा, तो क्या चीज बैलेंस कर रहा होगा इसको, फ्रिक्शन, एक फोर्स 8 न्यूटन लग रहा होगा, एक फोर्स क्या लग रहा होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे आपका 8 न्यूटन और टेंशन आपको कितना लग गया, वैसे कि आपका 5 न्यूटन लग गया, है ना, और ऑब्वियसली बात है कि इससे आप फ्रिक्शन निकाल लो, कितना लग रहा है यहाँ, इससे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जैसे कि आपका फ्रिक्शन, है ना, क्या सही कर रहा हूँ, हाँ सही, तो भाई टेंशन इधर आपने ले लिया और वो 5 न्यूटन लग गया, है ना, टेंशन की वैल्यू हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ली, जैसे कि आपकी 5 न्यूटन, है ना, तो ये आपने इस तरह से क्या कर लिया, जैसे कि आपने कैलकुलेट कर लिया, है ना, ये आपका गया इस तरह से, सॉरी एक थोड़ी सी गड़बड़ इसमें, क्योंकि नेट टेंडेंसी तो उसकी राइट पर जाने की है ना, हाँ कि भाई एफ न्यूटन अगर आपने इस तरह से लगाया इसके ऊपर ऐसे, तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर, वो 4 न्यूटन जो होगा ना, हाँ सही है, सही तरह यहाँ पे 5 न्यूटन लग गया और ये 8 न्यूटन लग गया इधर, हाँ तो आपको इसका डिफरेंस तो फ्रिक्शन पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे एफ टू की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 इधर 5 इधर, यहाँ से F2 की वैल्यू आपकी 3 न्यूटन, F2 की वैल्यू के आगे जगह आपकी 3 न्यूटन, ऑब्वियस बात है कि ये भी सेट तो सही है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, अगर इस सेट की अगर हम बात करें तो, है ना, चेक करो जरा सा, ये सेट सही है गड़बड़ है, इसमें क्या गलती की हमने, ये वाला क्यों आंसर नहीं आ रहा, एक तो आपका सी ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ये भी वाला भी ऑप्शन तो हो सकता था ना, ये वाला ऑप्शन भी तो पॉसिबल था, ये ऑप्शन क्यों नहीं आया, सर टेंशन तो F1 से ज्यादा है तो फिर तो वो राइट पे मूव करेगा, कौन सा टेंशन F1 से ज्यादा है किस केस में, सेकंड केस में, तो फिर एक्सेलरेशन सर हम तो बोल रहे हैं कि वो रेस्ट पे होगा, हाँ रेस्ट पे होगा सही है, लेकिन सर अगर टेंशन F1 से ज्यादा है तो इसमें नेट फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, हाँ सही है, तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करता है, फ्रिक्शन फोर न्यूटन से बैलेंस करता है, चेक करो थोड़ा सा, वे फ्रिक्शन बैलेंस करता रहा इसमें, हाँ ये सही है आपका, हाँ भाई इस केस में चक्रो जगह से ये क्यों नहीं सही आंसर है, ये वाला भाई ये तो सही है, इस पर तो कोई डाउट नहीं, इससे आपको ऑप्शन भी आ रहा है, जस्ट आपको थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना है, फिर मैं ग्रुप में आपसे शेयर करूंगा क्योंकि टाइम ही है, ज्यादा टाइम हो जाएगा, ये ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है, इसमें क्या मिस्टेक्स है, ये ग्रुप में मुझे बताना, अगर आप नहीं कर पाओगे जनरल इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, ये सोल्यूशन क्यों नहीं सही, इसके अकॉर्डिंग तो सोल्यूशन एक अलग आ गया ना, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, तो वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं सही है ये आपको पूछना, तो सब लोग सोचो और इसका मुझे बताओ, ये सोच पाओगे तभी आपका सही होगा, तो हमेशा दो आंसर आ जाएगा, है ना, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसको समझाऊंगा, क्वेश्चन को खाली होच के नहीं कर सकते थे कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो सर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा सर वहां से टेंशन निकालेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, एक एक तो स्लिपिंग करने के वर्स पे होगा, अगर वो स्लिपिंग करने के वर्स पे नहीं होगा तो टेंशन डेवलप होगी नहीं, अगर मान लो एक स्लिप नहीं कर रहा होगा तो स्ट्रिंग टाइट कैसे होगा, तो क्या होगा कि दोनों बैलेंस हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइट ही नहीं, तो आप थोड़ा सा सोचना है इसके बाद, एक जगह पे तो लिमिटेड लगी रहा, वो थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको आएगा, दैट इज ऑल फॉर टुडे, एकदम पीछे लग जाओ आप मॉड्यूल 2 के, मॉड्यूल 1 के, और नेक्स्ट वीक में मॉड्यूल 1 के सारे डाउट्स, है ना, और आपके वीकेंड्स पे आपका बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका स्टार्ट किया मैंने, हीट एंड थर्मल, और क्यों किया उसका पर्पज आसान हो, हर स्टूडेंट्स की जो इस साल दे रहे हैं पिछले साल दे रहे हैं उनकी हमेशा ये होता है रिजर्वेशन कि भाई मॉड्यूल 1 2 तो हम कर लेते हैं, मॉड्यूल 3 तक आते आते जो होता है वो फिर वो
नॉर्मली बहुत तेज हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नॉर्मली मॉडल 3 एंड प्रोसेसर पैरेलल में चला रहे हैं, मॉडल 3 एंड मॉडल क्वेश्चन दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, हैव अ नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सर, बाय बाय. हाँ आरुषि, आपका काफी हद तक कंसेप्ट सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसमें काफी हद तक आपका कंसेप्ट बेसिकली आपका सही है, ठीक बोल रहे हो आप इसमें, है ना. इसको ग्रुप में शेयर कर देना, किसी को अगर इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगा, है ना. भव्या का भी है, जो भी ग्रुप में इसको शेयर कर दे, अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होगी देन यू विल टेल कि क्या दिक्कत है इसमें. हाँ ना, काफी हद तक आदर्श सही बोल रहे हैं, इसको ग्रुप में शेयर कर देना.